तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान एयरक्राफ्टों को खरीदेगा जो कि फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। और ऐसे में खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलटों के द्वारा चाइना में J-31 एयरक्राफ्टों की ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अब तक ऑफिशियली इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया के अंदर ये भयंकर तरीके से चर्चा चल रही है। अब दोस्तों J-31 जो एयरक्राफ्ट है उसको पाकिस्तान के द्वारा भारत के राफेल और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए परचेस किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि J-31 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए भी भारत को एक नए स्ट्रेटजी को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में डिले भारत की तरफ से किया जा रहा है और जिस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को इंडियन फोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए करीबन और भी 10 साल की जरूरत है, और उसको देखते हुए भारत अब एक अंतरिम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत की वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार विदेशी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत यहाँ पर कौन से एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहेगा? क्या भारत को अमेरिका से F-35 जैसे लड़ाकू विमान को परचेस करना चाहिए या फिर रसिया से Su-57 लड़ाकू विमान को खरीदना चाहिए? अब दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्टों को रिक्वायरमेंट को यहां पर पूरा करने के लिए भारत की तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार किया जा रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों का जो डिले है वो भारत के लिए सबसे बड़ा श्राप बना हुआ है। पर पाकिस्तान वहीं पर मिलिट्री के कंट्रोल में रहने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के जो प्रोक्योरमेंट है वो यहां पर डायरेक्टली मिलिट्री के द्वारा करता है, जिससे कि संभावनाएं वहां पर ज्यादा होती हैं कि पाकिस्तान FC-31 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कोई इरादा बनाता है तो शायद इन एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द वह अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। और यहां तक बता दें कि चाइना जिस तरीके से एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर रहा है उससे पाकिस्तान को शायद साल 2030 पहले ही 31 जैसे एयरक्राफ्ट मिल जाएं। और यहाँ पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता कि AMCA जैसे एयरक्राफ्टों पर भरोसा करते हुए अगर भारत यहाँ पर बैठा रहता है तो दोनों ही बॉर्डर पर फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट यहाँ पर भारत के अंगेस्ट में तैनात हो जाएंगे। अब दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में जिस तरीके से फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्टों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है और केवल मात्र एक ही फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ पर ऑपरेशनल है, जो कि F-35 लड़ाकू विमान है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमानों को सभी देश नहीं खरीद सकते और अमेरिका भी सभी देशों को इसको नहीं देता है, क्योंकि अमेरिका इसको केवल अपने क्लोज तरीन एलाई देशों को ही मुहैया कराता है। और यहाँ तक कि नेटो के मेंबर होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में शामिल रहने के बावजूद भी अमेरिका के द्वारा टर्की जैसे देश को F-35 फाइटर जेटों को इसी वजह से नहीं दिया गया है कि टर्की S-400 मिसाइलों को खरीद चुका है। और दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत S-400 मिसाइल तो क्या कई तरीके के रशियन ओरिजिन के रडार मिसाइल और कई तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, और ऐसे में संभावना यहां पर काफी ज्यादा कम है कि अमेरिका डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्शन के F-35 फाइटर जेटों को भारत को दे पाए। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत को ऐसे भी कई तरीके के अन्य अलग अलग हथियारों को ऑफर किया जा चुका है जो एक समय तक भारत को कभी अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इनडायरेक्टली भारत के सामने F-35 फाइटर जेट एयरक्राफ्टों का ऑफर रख रहा है, और अमेरिकी एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 फाइटर जेटों को लेकर बातचीत भी चल रही है, लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। और ऐसे में अगर ये बातचीत फाइनल स्टेज तक पहुंचती है तो भारत के लिए ये काफी पॉजिटिव होगा, और लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि भारत F-35 जैसे लड़ाकू विमान को यहाँ पर परचेज करेगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों वहीं पर आपको बता दें कि भारत के लिए
एक और ऑप्शन यहाँ पर खुला हुआ है जो कि रशिया के रूप में एसकोई 57 लड़ाकू विमान का है। और ऐसे में आपको पता ही है कि भारत पहले सुखोई 57 लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था, लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल ले लिया था और ऐसे में भारत इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से बाहर आ गया था। लेकिन रशिया चाहता है कि आज की डेट में भारत फिर से इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े, और रशिया ये भी चाहता है कि भारत अगर बड़ी संख्या में इन लड़ाकू विमानों को परचेज करता है तो रशिया भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके इन लड़ाकू विमानों को भारत के अंदर ही बना सकता है। और सच माने कि ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही बनाए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एक समय था 2018 में जब SU-57 लड़ाकू विमान काफी कमजोर विमान माना जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो रशिया इसके अंदर कई सारे इम्प्रूवमेंट कर चुका है और रशिया इसको काफी हद तक स्टेल्थी लड़ाकू विमान बना चुका है। और इसी के चलते अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर भारत इसकी तरफ झुकता है और यहाँ पर भारत कुछ की संख्या में Su-57 लड़ाकू विमानों को परचेस करता है तो फिर ये एक अच्छी डील रशिया और भारत के बीच में मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों असल में आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये भी माना जा रहा था कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदेगा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि भारत को अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू विमान को नहीं देगा और साथ ही भारत रशिया से Su-57 लड़ाकू विमान को नहीं खरीदेगा। और इसके पीछे रीजन ये भी था कि भारत ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स की तरफ से ये बयान दिया जा चुका है कि हम किसी भी हद पर F-35 या फिर किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर नहीं करेंगे, और ऐसे में हमारा जो AMCA फाइटर जेट है उसको सबसे पहली वरीयता दी जाएगी। और भले ही ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा हो लेकिन जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश की जाएगी और भारतीय वायुसेना के अंदर सबसे पहला जो 5th जनरेशन फाइटर जेट जुड़ेगा वो AMCA फाइटर जेट ही होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि J-31 एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो खबर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है वो यहाँ पर भारत की स्ट्रेटजी को काफी हद तक चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि MRFA टेंडर अंतर्गत जिस तरीके से डिले देखा जा रहा है उसकी वजह से भी भारत की तरफ से एक एंट्रम सॉल्यूशन या फिर ऐसे कहें कि एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत कुछ संख्या में 5th जनरेशन फाइटर जेटों को एक्वायर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर भारत के सामने जो बड़ा चैलेंज है शायद वो सुखोई 57 लड़ाकू विमान को लेकर इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि F-35 लड़ाकू विमान को लेकर अमेरिका की कुछ अथॉरिटी की तरफ से अनुमति दी जाती है, तब भी भारत के अंदर आने में अमेरिका की तरफ से कई सारी परेशानियां यहां पर देखी जाएंगी। जबकि वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया के Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर बार अगर भारत आगे बढ़ता है तो भारत को बड़ी आसानी से ये लड़ाकू विमान मिल जाएगा। और दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो जो हम SU-57 लड़ाकू विमान की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो अब पहले जैसा लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि रशिया इसकी एवियोनिक्स, इसके इंजन और कई सारी चीजों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर चुका है और इसी के चलते अब ये लड़ाकू विमान काफी स्ट्रांग और दावेदार बन चुका है। और ऐसे में F-35 लड़ाकू विमान जहाँ भारत के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है तो वहीं पर भारत के लिए Su-57 लड़ाकू विमान का रास्ता बिल्कुल ओपन है। और ऐसे में भारत रशिया के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में फिर से अगर जुड़ता है तो इससे भारत को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इससे हमारे AMCA फाइटर जेट को कहीं ना कहीं दिक्कत आना तय है और ऐसे में AMCA फाइटर जेट यहाँ पर और भी ज्यादा डिले का सामना कर सकता है। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या विचार है, क्या भारत को एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए अभी तुरंत जाना चाहिए या फिर अपने AMCA फाइटर जेट को यहाँ पर लेते हुए वेट करना चाहिए? और जब तक हमारा AMCA फाइटर जेट यहाँ पर बनकर तैयार नहीं होता तब तक भारतीय वायुसेना को यहाँ पर किसी भी अन्य देश से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।